अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में भी पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां किए जाने का इम्कान। दोस्तों इमामुल हक एक दफा फिर फ्लॉप हो गए और अब्दुल्ला शफीक बुरी फील्डिंग के कारण कई कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं इस सीरीज में, जो पाकिस्तान टीम को मैच हरवाने के मुकाम तक ले पहुंचे थे। दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान टीम की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के बाद पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का ऐलान किया गया है, जिसमें शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि अब इमामुल हक या फिर अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक खिलाड़ी को रेस्ट देकर साइम अयूब को मौका दिया जाएगा तीसरा मैच, जो सिडनी में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या इमामुल हक के साथ साइम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप या बैटिंग अच्छी रहेगी कि या फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ इनका ओपनिंग पेयर होना चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में ये आपने तय करना है कि अब दोनों में से किस खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम की ओपनिंग कमांड संभालनी चाहिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह।